हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉक लेकर आया हूं और इसमें हम लोग देखेंगे कि कहां पर हमारी एंट्री बनती है और कहां पर हमारा एग्ज़िट होता है। और ये स्टॉक हमें लगभग 5 से 7% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में आपको देने के लिए रेडी है। और जैसा कि आज हम लोग देखते हैं, अभी देखिए मार्केट लाइव चल रही है। ये लाइव मार्केट में मैं अपना ये आज की वीडियो बना रहा हूँ। देखिए 2280.55 रुपये चल रहा है स्टॉक का रेट, अभी देखिए 95 हो गया। तो ये अभी लाइव मार्केट चल रही है। तो देखिए 2281.35 रुपये हो गए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन लगा कर कि कहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और इस स्टॉक में मैंने ऑलरेडी 147 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया है एक बार। और फिर उसके बाद मैंने दूसरी एंट्री नहीं ली क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। अब फिर से इसमें ब्रेकआउट हुआ है तो अब मैं इसमें एंट्री करने वाला हूं। कल के डेट में मैं इसमें एंट्री करूंगा। तो चलिए हम लोग पहले ट्रेंड लाइन खींच कर लगा कर देख लेते हैं कि कहां पर हमारी एंट्री बनती है। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि इससे मैं कल किस रेट पर बाई करूंगा या आज के लिए मैं GTT ऑर्डर लगा कर रखूँगा कल के लिए, ताकि मेरा उस प्राइस पर जब भी मेरा स्टॉक आए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं जो भी खरीदता बेचता हूँ उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पर डायरेक्ट पोस्ट कर देता हूँ, जिससे कि उस शेयर को आप भी खरीद बेच कर थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाता हूँ और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टॉक का नाम बता दूं, देखिए HDFC लिमिटेड का मैंने चार्ट खोला है। HDFC का देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है और 2280 रुपये का इसमें आज का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो इसमें एंट्री पॉइंट मेरी कुछ और थी लेकिन वो स्टॉक मुझे मिल नहीं पाया। मैंने इसी स्टॉक को दोपहर को देखा, अभी एक बजे इसको देखा तो मैंने थोड़ा सा इसको एनालिसिस किया। उसके बाद मैं सोचा कि ये वीडियो अभी बना दूँ दोपहर में, ताकि आप लोग दिन भर में कभी भी देख लो और कल मॉर्निंग में ही आप स्टॉक को बाई कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमेशा अगर मेरी वीडियो आप कंटिन्यू अगर 6 महीने 1 साल से अगर देख रहे होंगे तो आप खुद ही एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन लगा चुके होंगे। मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद किसी भी स्टॉक पे अपना ट्रेंड लाइन लगाकर चेक कर सकते हैं अपने स्टॉक को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से लगाया है और सेम इसी के नीचे हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनता है, ओके। देखिए ये वाला प्राइस, देखिए ये दोनों, ये स्टॉक काफ़ी दिनों से इसी चैनल में घूम रहा था। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से जब स्टॉक सपोर्ट लिया तो ऊपर गया, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ से स्टॉक गिर गया, फिर यहाँ पर आके इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर से जाकर फिर से इसमें गिरावट आई और ये स्टॉक फिर से अपने सपोर्ट लेवल इसी वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, फिर देखिए अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो गया था तो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी, यहाँ पर भी हमारी एंट्री हुई थी 1943 रुपये के आसपास। जो हमारे पुराने टीम मेम्बर होंगे, मतलब जो टेलीग्राम सब्सक्राइबर हैं हमारे पुराने, वहाँ वो लोग देखे होंगे यहाँ पर कि मैं HDFC को 1943 में बाई किया था और 2160 रुपये में शायद मैंने इसको 2132 रुपये में मैंने इसको सेल किया था। 180-190 रुपये मैंने इससे शेयर से निकाले थे एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर ब्रेकआउट होकर ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये स्टॉक देखिए नीचे आया और 2200 रुपये के आसपास पे ये अपना सपोर्ट बनाया, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी दिन, और इसको भी मैं एक ट्रेंड लाइन लगा के आप लोग को दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की, चलिए इसी कलर की लाइन ले लेता हूँ। दूसरा सपोर्ट हमारा देखिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो कि हमारा पिछला सपोर्ट था ऑलरेडी, ओके। ये देखिए, ओके, तो ये वाला जो हमारा सपोर्ट था, दोनों ये जो चैनल है क्रॉस लाइन, दोनों ब्लू कलर की जो लाइन है उसको ध्यान से देखिए कि ये स्टॉक इसके बीच में घूम रहा था, उसके बाद से जब इसको क्रॉस किया तो इसका सपोर्ट अलग हो गया। अब चलिए मैं इसका दूसरा वाला सपोर्ट दिखाता हूँ, ताकि मैं इससे पहले इस लाइन को मिटा दूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ओके। तो देखिए उसको मैंने मिटा दिया, अब मैंने खोलिया सिर्फ इसको,
तो इसमें देखिए ये स्टॉक काफ़ी दिनों से इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको दिखाऊं तो चलिए वो भी दिखा देता हूं कि कहां पर सपोर्ट बना है। जो लोग पुराने होंगे उनको तो पता है, बट जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं ये बताऊँगा। अभी देखिए यहाँ पर स्टॉक ने इस वाली ट्रेंड लाइन को टच किया था, उसके बाद यहाँ पर टच किया था और ये स्टॉक दोनों बार गिर गया था नीचे। जितनी बार स्टॉक ने इस वाली ट्रेंड लाइन को टच किया उतनी बार स्टॉक नीचे गिरा। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा क्लियर। ओके देखिए यहाँ पर भी गिरा था, फिर उसके बाद यहाँ पर भी गिरा था इस स्टॉक ने इसको टच करके। ओके तो देखिए चार बार लगभग, और ये एक बार, और यहाँ पर पांचवी बार इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, देख सकते हैं इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर जो ग्रीन वाली का हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची है इस वाली को। इस पर देखिए स्टॉक 1, 2, 3, 4 और 5 पांच बार इसने इसको रेजिस्टेंस बनाकर ये स्टॉक चल रहा था, बार बार यहाँ से गिरावट आ जा रही थी, लेकिन अब की बार इसने इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जब 2 दिन लगातार क्लोजिंग दिया, फिर उसके बाद ये स्टॉक उसी के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए क्लियर, आप देखिए अभी ये 2250 रुपये और नीचे 2189 रुपये 90 रुपये के आसपास चली, तो ये 60 रुपये के बीच में ये स्टॉक घूम रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी इसने अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक किया। पिछला वाला हाई रेट क्या था इसका, जो इसको ब्रेक करने की बाद, ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद जो इसका रेजिस्टेंस था इसके, इसको ब्रेक किया ऊपर क्लोज किया, उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ क्लोज करने लगा। तो अब देखिए इसका जो हाई था यहाँ पर 2265 रुपये 2264 रुपये 80 पैसे, इसको इसने ब्रेक कर दिया और 2282 रुपये पे अभी ये स्टॉक चल रहा है। ओके तो अब मैं इसको कहाँ पर बाई करूँगा, इस हाई को तो इसने ब्रेक कर दिया, यहीं पे ही बाई करने वाला था मैं 2264 रुपये, लेकिन मैंने इसको लेट देखा तो इसलिए ये स्टॉक छूट गया, नहीं तो अभी ऑलरेडी मैं 18 रुपये ऊपर होता अपने बाई प्राइस से। तो आप लोग चलिए इतना तो छूट गया 18 रुपये, कोई बात नहीं है, 1% छूट गया, हमें कम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अब इसमें हम फिर से एंट्री करेंगे और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 2189 के नीचे, क्लोज होने दीजिए 2 दिन, तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। और भाई मैं कल करूँगा इसको किस रेट पे, आज का जो हाई है 2290, लेकिन अभी 1:30 बज रहे हैं, अभी मार्केट बाकी है 2 घंटे, तो उसके बाद में अगर कोई और हाई बनाता है तो मैं इसको, आज का जो भी हाई हो 3:30 के पहले, अभी 2 घंटे मार्केट में बाकी, हो सकता है इसने ये और हाई बना दे अपना, लेकिन इस हाई को जब ब्रेक करेगा आज वाले हाई को, तो मैं कल यहाँ पर एंट्री करूँगा और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला 2350 रुपये का मेरा टारगेट यहाँ पर होगा, 2280 से 2350, तो ऑलरेडी 3-4% का रिटर्न हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये फर्स्ट टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारा होगा 2400 और 2500 रुपये का टारगेट, ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इस शेयर में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए आप लोग, क्लियर, आज का जो भी हाई बनाए 3:30 से पहले, क्योंकि मार्केट अभी 2 घंटे बाकी है, तो इसके बीच में हो सकता है कि ये और भी हाई बना सकता है। 2290 का आज का हाई है, लेकिन वो 91, 92 या 2300 भी हो सकता है, वहाँ पर हम एंट्री करेंगे। और 2250 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 2400 और 2500 रुपये का। ठीक है, और दोस्तों अगर एक बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू जाकर अगर आप अकाउंट अपना ओपन करते हैं हमारे अंडर में, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता हूँ, जहाँ पर मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की कॉल बिल्कुल फ्री में देता हूँ, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।